जय हिंद। आज मैं आपको सुना रही हूँ ममता कालिया की कहानी खिड़की। तीसरे प्लेटफॉर्म से 8 नंबर प्लेटफॉर्म तक चलते चलते शिवचरण बाबू हाँफ गए। उनकी सीट थी S3 में, यानी पूरी रेल की लंबाई नापनी थी, इंजन से चौथा कोच जो था। उन्हें अपने पर क्रोध आया। पुली ने जब 2 अटैची देखते ही कहा 10 रुपया, वे तुरंत एंड गए। हम तो 2 रुपये देंगे, पुली भाग खड़ा हुआ। उन्होंने कंचन को कहा, जरा हिम्मत कर लो बेटी, तो 10 रुपये की बचत हो जाए। कंचन ने बड़ी अटैची खुद उठा ली और छोटी उन्हें थमा दी। पहली 20 सीढ़ियां वे उत्तेजना में चढ़ गए, लेकिन अगली एक एक सीढ़ी उन्हें भारी लगने लगी। ऊपर चढ़ते हुए घुटने बिल्कुल जवाब दे गए। पुल पर 1 मिनट सुस्ता कर उन्होंने स्वगत कथन किया, 3-3 बेटियों का बाप पुलियों पर पैसे लुटाए, यह भी तो नहीं बनता ना। फिर वे लष्टम पुष्टम पुल पार कर हो गए। जितनी बार कंचन आगे बढ़ जाती, रुककर उनका इंतजार करती। आखिर उसने दुपट्टा कमर में कसकर दोनों अटैचियां उठा ली और इस तरह वे S3 तक पहुंच गए। पूरी गाड़ी में अभी भी अंधेरा था। कंचन ने बेंच खाली देखकर वहीं अटैचियां रख दी और कहा, बैठ जाओ बाबू जी। यहाँ कैसे बैठ जाऊं, कोई लूट ले तो। शिवचरण बाबू एकदम भड़क गए। फिर वे बड़ी अटैची उठाकर डिब्बे तक चले। दरवाजा अभी खुला नहीं था। वहां एक और मुसाफिर इंतजार में खड़ा था। उन्होंने रुककर उससे रेल विभाग की कार्य शिथिलता की बात की। फिर अपनी चुस्ती और कार्य क्षमता पर मन ही मन मुदित होते हुए वापस बेंच पर लौट आए, जहाँ कंचन बैठी थी। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और वो दुपट्टे के छोर से हवा कर रही थी। धीरे धीरे प्लेटफॉर्म भरने लगा। गलत सलत उच्चारण और रोनी आवाज में अनाउंसर आने जाने वाली गाड़ियों की समय की उद्घोषणा कर रहा था। तकरीबन हर गाड़ी के देर से आने की संभावना थी। अजब बात है, इतनी धांधली है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, शिवचरण बाबू ने कहा। फर्क तो कंचन को भी नहीं पड़ता था, पिता की बड़बड़ाहट या बदमिजाजी का। यथा समय गाड़ी के डब्बों पर नंबर पड़ गए, आरक्षण सूची लग गई और बिजली भी आ गई। वे लपक कर 39 और 40 बर्थ पर आए। ये साइड की बर्थ थी ऊपर नीचे की। देखते ही शिवचरण बाबू असंतुष्ट हो गए। कितना कहा था छगन से कि देखकर रिजर्वेशन कराना, पर आजकल कहे मुताबिक ना करने की तो कसम खाई है लोगों ने। क्या फर्क पड़ता है बाबूजी, यहीं बैठ जाएंगे, कंचन ने कहा। कितनी सड़ी गर्मी है, शिवचरण बाबू कहते हुए खिड़की खोलने का प्रयत्न करने लगे। छिटकनी खिसकाते और जोर लगाने पर भी खिड़की का पल्ला नहीं सरका, तो एक बार फिर से रेलवे की अकर्मण्यता पर आ गए। उन्होंने आसपास के मुसाफिरों को जैसे संबोधित करते हुए कहा, किराया बढ़ाते जा रहे हैं, सुविधाएं घटाते जा रहे हैं, जनता को आप उल्लू समझते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि बंद खिड़कियां सबकी आंखों में खटक रही थी। खुद कंचन ने कई बार खोलने का प्रयत्न किया, पर उससे खिड़की नहीं खुली। तभी सामने की सीट पर एक युवक उठा, ठहरिए मैं खोल देता हूँ। युवक ने चिटकनियां सरकाई, दाएं बाएं हाथ से ठोका और खिड़की के पल्ले को उठाने के लिए जोर लगाया। पल्ला टस से मस न हुआ। ओह, ये भारतीय रेल, कहता और झेपता हुआ वो अपनी जगह चला गया। शिवचरण बाबू के मन में अचानक यह विचार उठा कि यह खिड़की का पल्ला नहीं, शिव धनुष है। वे AG दफ्तर के बड़े बाबू नहीं, जनकपुर के राजा जनक हैं और वह बगल में बैठी कंचन जानकी सीता। शिवचरण बाबू रोज सवेरे स्नान के बाद थोड़ी देर रामचरितमानस का पाठ करते थे और गृहस्थी में किचकिच कतर ब्योंत और कंजूसी के बाद भी जो समय शेष रहता उसमें अपने जीवन के सवालों के जवाब मानस में ही ढूंढने का प्रयत्न करते। गर्मी के कारण डिब्बा भट्टी की तरह दहक रहा था, गाड़ी चल चुकी थी। ऊपर की सीट से उतरकर एक लड़का बोला, इतनी गर्मी में आप खिड़की बंद किए बैठे हैं, हद होती है, आप खोलकर देख लीजिए। शिवचरण बाबू ने मुंह ही मुंह में मुस्कुराते हुए कहा। लड़का बड़े आत्मविश्वास से खिड़की पर झुका। वो लंबा और स्वस्थ युवक था। खिड़की के पल्ले पर यथाशक्ति जोर लगाने की गरज से वह पिता पुत्री के बीच में जरा सी जगह में टिक गया और बड़े मनोयोग से संघर्ष लगा रहा था, पर खिड़की अपनी जगह से नहीं हिली। युवक ने झेंप कर कंचन की ओर देखा। वो बदस्तूर दुपट्टे से अपने को हवा कर रही थी। क्षण भर को युवक को यह गर्मी या उमस अच्छी सी लगी। शिवचरण बाबू ने कहा, जाइए अपनी जगह पर बैठ जाइए, यह आपसे नहीं खुलेगी। तजहु आम निज निज ग्रह जाहु, लिखाना विधि वै देहि बहु। अब जब समाज में
दहेज दिन दूनी रात चुगनी चौगुनी छटा दिखा रहा है। शिवचरण बाबू को स्वयंवर जैसी प्रथा के बारे में सोचना अच्छा लग रहा है। कभी कभी वे कहते हैं कि वे तो अपनी बेटियों को फूलों के गहनों में मैं विदा करूंगा मैं तो अपनी बेटियों को फूलों के गहनों में विदा करूंगा। इन्हें मैंने पढ़ा लिखा दिया, अब तो इनकी कद्र अब इनकी जो कद्र करे वह मेरे सामने याचना कर इन्हें ले जाए। इतने उच्च आदर्शों वाला कोई भी वर अभी तक न मिला और न मिलने की सूरत नजर आई। उनकी बेटियों की उम्र क्रमशः 25, 23 और 22 हो चुकी थी और तीनों MA/LT करने के बाद इधर उधर के प्राइवेट स्कूलों में अस्थायी नौकरियों में दुखी थी। इससे राहत महज इतनी थी कि दिन में कुछ घंटे माँ बाप के सोने के सीने से बोझ हटा रहता और लड़कियों को पिता से जेब खर्च मांगने की जरूरत न रहती। बावजूद गर्मी और परेशानी के कंचन को इस बंद खिड़की के खेल का मजा आने लगा। उसने पिताजी से कहा, बाबूजी आप ऊपर जाकर सो जाओ, कम से कम पंखे की हवा तो लगेगी। शिवचरण बाबू थके हुए थे, बिना प्रतिवाद के बेटी की बात मान गए। ऊपर की बर्थ पर लेटकर उन्हें कुछ चैन मिला और आंखें मुंदने लगी। हिचकोले से आंखें खुलती तो वो बाहर एक बार नीचे झांक कर देख लेते, बिटिया अपने निरापद एकांत में सजग बैठी है, यानी सामान की रखवाली हो रही है। अलीगढ़ स्टेशन पर 2-3 सवारियां चढ़ी, वह छात्रों की टोली लगती थी। एक लड़की की पीठ पर लाल रंग का रक्सेक था और हाथ में वाटर बॉटल, शायद इन सब का आरक्षण नहीं था। उसकी बर्थ पर एक युवक बैठा तो उसने संकोच से कहा, थोड़ा पानी देंगे? जरूर, युवक ने अपनी वाटर बॉटल उसकी ओर बढ़ा दी। युवक ने बंद खिड़की की ओर देखते हुए कहा, आपकी इजाजत हो तो इसे खोल लें। कंचन ने सिर हिला दिया। युवक काफी देर खिड़की के पल्ले से जूझता रहा, उसके सांवले माथे पर पसीने के मोती चमकने लगे। पानी बड़ा शीतल था। वाटर बॉटल के स्टीकर पर नाम लिखा था AK AMU। कंचन ने बॉटल लौटाई, युवक ने वही कुटी पर बॉटल लटका दी। आपको एतराज ना हो तो यहाँ कुछ देर बैठ जाऊं, कानपुर तक जाना है। कंचन ने सिर हिला दिया। युवक ने आसपास के दृश्यों पर नजर घुमाई। नीचे की बर्ट पर सोए हुए बुजुर्ग के पाओ में बधी जंजीर देखकर वो हंस पड़ा। कंचन भी मुस्काई। रेशमी पाजी, उसने कहा। कंचन शर्माई, आप पढ़ती हैं? पढ़ाती हूँ, माफ करिए, मैं पढ़ता हूँ, इसलिए सारी कायनात मुझे स्टूडेंट ही लगती है। कंचन को अफसोस हुआ, उसने पढ़ाई इतनी जल्दी खत्म क्यों कर दी। उस युवक के साथ ही अभी खड़े ही थे, बड़ी गर्मी है, एक ने कहा। बाहर तो बहुत सुहावना था, दूसरे ने कहा। शिवचरण बाबू की नींद उजड़ गई थी। उन्होंने सिर पर खड़े लड़कों का संवाद सुना तो कटखने अंदाज में बोले, फिर बाहर ही जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? बाहर खड़े रहने से कानपुर नहीं पहुंचा जा सकता, दूसरे ने फौरन जवाब दिया। शिवचरण बाबू को हंसी आई। बड़े तेज लड़के हैं भाई, उन्होंने सोचा, चलो अच्छा है, सामान की ही चौकसी रहेगी। लड़के बारी बारी से खिड़की से जूझे। शिवचरण बाबू उन्हें चुनौती की मुद्रा में देख रहे थे। एक लड़का बहुत लंबा चौड़ा, उसका रंग गेहुआ था और उसके चेहरे पर मूछे फब रही थी। देखने में वह किसी बैंक मैनेजर या आर्मी का अफसर लग रहा था, बल्कि वह इस वक्त शिवचरण बाबू को वाणासुर लग रहा था। उसके पास खड़ा लड़का रावण प्रतीत हो रहा था। उनमें से कोई भी खिड़की खोल नहीं पाया। ऐसा लग रहा था तमकी ताकी तकी शिव धनु तरही उठाऊ न कोटि भांति बलो कर रही। ये रामायण की चौपाई है जिसमें वो सोचते हैं कि अब कोई सीता से विवाह नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई भी धनुष को उठा नहीं पा रहा है। कुछ ही पल में लड़के हवा की तलाश में अगली खिड़की तक बढ़ गए। AK वहीं बैठा रहा। शिवचरण बाबू की आंख फिर लग गई। AK इस बीच विस्तार से कंचन को बता रहा था कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थीम ऑफ एलिएशन इन रामायण अंग्रेजी में रिसर्च कर रहा है। इस कोण से रामकथा का विश्लेषण कंचन के लिए एक नई चीज थी। AK ने बताया, रामकथा का हर पात्र एकाकी है। राम पत्नी के बिना वन में, सीता राम के बिना लंका में, भरत स्थानापन्न राजा के रूप में अयोध्या में, लक्ष्मण उर्मिला के बिना और उर्मिला पति के बिना राजमहल में, कौशल्या बेटे के बिना एकाकी है, दशरथ भी अजनबी की मौत मरते हैं, केकई पूरे समाज में तिरस्कृत अकेली है, यहाँ तक कि रावण भी अपने एक पक्षी सम्मोहन में एकाकी है। एलिनेशन के सूत्र पाश्चात्य साहित्य में ढूंढने की बजाय भारतीय साहित्य में ढूंढे जा सकते हैं। रामकथा में विनय और भक्ति के अलावा बड़ी गहरी और बहुस्तरीय अंतर्कथा है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। कथा वाचकों ने उसको एक सरलीकृत रूप दे दिया है जबकि वह एक जटिल कथा है। कंचन चकित प्रभावित इस शोध छात्र की व्याख्या सुन रही थी। वह एक बहुत नए अछूते अद्भुत अनुभव से गुजर रही थी। रेल की खिड़की
तो जो की त्यों बंद थी, पर कंचन को लगा एक एक की बातों से उसके दिमाग की बंद खिड़कियां एक एक करके खुल रही हैं। इतने दिनों की जड़ता जैसे चरमरा कर खत्म हो गई है। कानपुर आने वाला था। एके ने अपना पता कंचन को दिया, कंचन से उसका पता लिया। आप पढ़ाना छोड़कर फिर से पढ़ना शुरू कर दीजिए, मैं आपका सिनॉप्सिस तैयार करवा दूंगा, बल्कि स्कॉलरशिप दिलवाने में भी दौड़ भाग कर लूंगा। कंचन पुलकित हो गई। उसे लगा गाड़ी एक नई दिशा में एक नए मुकाम की ओर बढ़ रही है। इस वक्त इन दोनों को न गर्मी सता रही थी न भीड़। एके को लगा यह प्रयागराज एक्सप्रेस कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं चल रही है, इतनी जल्द कानपुर नहीं आना चाहिए था। चलते चलते उसने कहा, रामायण पर लाख शोध कर लूं, पर यह खिड़की तो मुझसे नहीं खुली। पता नहीं आप क्या सोचे, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि खिड़की नहीं खुली है, कंचन ने संकोच से कहा। उसका मुख शर्म से झुक गया। उसे अपने भविष्य की खिड़की खुलती नजर आ रही थी। उसने तय किया वह घर जाकर सबसे पहले अपनी किताबों पर पड़ी धूल साफ करेगी।